MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन की सहायता से आप टेबल को अलग अलग डिजाइन्स और कलर दे सकते हैं। ये यहाँ पर हमने पहले से एक टेबल बना के रखी है। अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक में फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही देखिए ये एक मेन्यू ओपन हुआ है। इसमें आपको अलग अलग कलर्स और डिजाइन वाले कई सारे स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक कर लें। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर एक छोटी विंडो ओपन हुई है। इसमें टेबल की रेंज मेंशन्ड होती है, उसी के नीचे लिखा हुआ है माय टेबल हैज हेडर्स। चूंकि हमारी इस टेबल में हेडर है, यानी ऊपर हर कॉलम में हेडिंग दी हुई है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो स्टाइल हमने चुनी थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अगर हमारी टेबल में हेडिंग नहीं होती, जैसे कि शीट 2 में हमने एक ऐसी टेबल ली है जिसमें कोई हेडिंग नहीं है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी स्टाइल चुनेंगे तो वापस ये छोटी विंडो ओपन हुई है और इस बार देखिए माई टेबल हैज हेडर्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारी टेबल में हेडर्स नहीं है। अब हम जब ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल में ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी हेडिंग के लिए। अब यहां पर आप जो भी हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब हम वापस शीट 1 पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे हेडर्स हैं उनके पास में ये ड्रॉप डाउन एरोज बने हुए हैं। इनको हटाने के लिए हेडर वाली पूरी रो को सिलेक्ट करें, मेन्यू बार में से डेटा टैब पर क्लिक करें और यहां दिख रहे ऑप्शंस में से फिल्टर पर क्लिक करें। फिल्टर पर क्लिक करते ही देखिए ड्रॉप डाउन एरोस हट गए हैं। इसी तरह फॉर्मेट एज मेन्यू के टेबल में और भी कई ऑप्शंस होते हैं। आप अपने अनुसार टेबल को कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेल स्टाइल्स ऑप्शन को समझ लेते हैं। उसके लिए पहले हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। सेल स्टाइल्स ऑप्शन की सहायता से आप सेल्स को अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। जैसे यहां पर टाइटल और हेडिंग्स के लिए ऑप्शंस हैं। उसके लिए हम हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टेबल की हेडिंग स्टाइल चेंज हो गई है। वैसे ही यदि हम सेल स्टाइल्स में यहां ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यदि आपको सबसे कम वैल्यू वाली सेल को हाईलाइट करना है तो आप पहले उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे ये हमारी सबसे कम वैल्यू वाली सेल है, इसको सिलेक्ट करके हमने बेड पर क्लिक किया तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया है और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। उसी तरह अगर हमको सबसे ज्यादा वैल्यू वाली सेल को हाईलाइट करना है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से गुड ऑप्शन पर क्लिक करने से वो सेल ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गई है। इसी मेन्यू में नीचे की तरफ नंबर फॉर्मेट भी होते हैं। जैसे यदि हमको नंबर फॉर्मेट चेंज करना है, हम उसमें वैल्यू में कॉमा लगाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए सिलेक्टेड सेल का नंबर फॉर्मेट चेंज होकर इस तरह का हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि कॉमा के साथ डेसिमल भी आ जाए तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉमा भी आ गया है और उसके साथ डेसिमल भी जुड़ गया है। इसी तरह आप करेंसी या परसेंट या थीम डिस्टाइल जो भी फॉर्मेट अपने टेबल और सेल्स को देना चाहें वो इन ऑप्शंस की सहायता से दे सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।